आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे के घर पर बुलडोजर चल ही गया। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के कहानी का अंत होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, जिस हर दिन कुछ न कुछ नए मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया है और निलंबित करने के बाद सोशल मीडिया पे एक खबर और चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और मनीष दुबे के घर पर बुलडोजर चला दिया है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये वायरल चीजें चल रही है, बार बार खबर आ रही है कि मनीष दुबे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है और सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर निलंबित क्यों किया गया। क्या नाम हुआ आपका? परदेशी। परदेशी जी सर। सरकारी कर्मचारी है? प्राइवेट ठीका पे सर। कौन ठीका दिया है? ये हम लोग नगर पागा तरफ से है, ठीका पे है। हम लोग को 9000 महीना है। 9000 महीना है जी सर। सफाई कर्मी का भी तो यहाँ पे जो है वो हुआ था ना, भर्ती हुई थी ना? भर्ती नहीं आया सर, हम लोग का भर्ती नहीं आया। हम लोग मतलब हम सब पहले सब कोई संविदा कोई सरकारी है। आप संविदा वाले हैं? सरकारी ठीका पे हम लोग हैं। कितना दिन तक काम करेंगे? हमके हो गया 10-15 साल। तो कहाँ कहाँ की सफाई करते हैं? केवल गंगा की सफाई करते हैं या हर जगह सफाई करते हैं सर? हर जगह का हम लोग सफाई करते हैं। गंगा जी से तीरे लगा के, नाला से लगा के, कोई भी नाला हो हम खोलने के लिए तैयार है। डूबा भर पानी हो चाहे कहीं हो, गंगा जी हो चाहे कौन चीज हो, गंदा गंदा पानी में डूब जाते हैं। हाँ डूब जाते हैं सर। गंदा पानी हो सफाई करते हैं? हाँ सफाई करते हैं सर जी। तो सरकार पेमेंट जो है कि आपको समय पर दे पाती है कि नहीं देती? नहीं दे पाती है। कितना दिन महीना महीना बाद मिलता है? 2-3 महीने के बाद मिलता है, कभी 3-4 महीने के बाद देती है। अच्छा कितना दिन हो गया अभी तक पेमेंट नहीं मिला? अभी हम लोग के 3रा महीना चल रहा है, पेमेंट नहीं मिला। कि मेरा तनख्वाह मिला था, महीने का मिला था। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं है सरकार आपको निकाल देती है? आप निकाल देगा उन लोग मर्जी बात सर, वो लोग धमकी देते हैं। क्या कहते हैं धमकी में? क्या देते तो हम लोग सर ये बताइए कि हम लोग कर्मचारी हैं, सफाई कर रहे हैं, उतना डूब डूब काम कर नाला में, हम लोग को कोई दिक्कत है परेशानी? नाला में कौन सा पानी होता है? गंदा पानी, तो गंदा पानी में है। फोन करके तुरंत बुला लेते हैं? हाँ जहाँ दिक्कत होता है, बरसात हो गया, पानी भर गया, नाला जाम हो गया, तो हम लोग को बुलाया जाता है कि नहीं कर्मचारी यहाँ आइए, यहाँ काम कीजिए, यहाँ अच्छी आती है। दिन ड्यूटी लगेगा उसी दिन का पैसा मिलता है कि हर दिन का मिलता है? ड्यूटी करता हूँ तो पैसा मिलता है। जिस दिन ड्यूटी करेंगे उसी दिन परमानेंट मिलता है? नहीं मिलेगा। हाँ ड्यूटी नहीं रहेगा, ड्यूटी मिलता है हमेशा। हम लोग काम करते पर डे मिलता है? हाँ पर डे मिलता है जी। पर डे मिल जाता है, यही कूड़ा काम कर उठाते हैं। हाँ जी। सरकार ने आप लोगों को नियुक्त किया नहीं है? नहीं। आप लोग ठेके पर हैं? जी ठेके पे हैं। ठेके पर हैं, महीने में कभी तनख्वाह समय पर नहीं मिलती? नहीं समय पर नहीं मिलता है, नहीं मिलता। तो आज बोलबम ये 2 महीने का लगभग लग रहा है? ये जी जी 2 महीने में लगा, 4-4 8 महीना चल, ये 8 महीने का सामान है। आपके साथ लगभग कितने लोग होंगे यहाँ? हमारे साथ हैं 6-7 लोग हैं। ए महादेव। क्या भैया कहाँ के रहने? यहीं के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। समय पर आपका पेमेंट मिल जाता है? समय पर नहीं मिलता है। क्या पेमेंट नहीं मिलता है? 3 महीना 1 महीना मिलता है, 3 महीना 4 महीना के बाद 1 महीना मिलता है पैसा। इसके अलावा क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं, और कई अलावा क्या करेंगे? बंदी 4 महीने का एक ही बार मिले बस। तो सरकार ने चाहे जो लोगों ने ठेके पर आप लोगों को 4 महीने का एक बार नहीं मिलता है? हाँ। 1 महीने का तनख्वाह मिलता है? 4 महीने बाद एक ही महीने का तनख्वाह मिलेगा? 4 महीने का मिल जाता है तनख्वाह हम लोग? इकट्ठे हो गया तो मतलब मिल जाता है, नहीं होता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सरकारी हैं कि? हम लोग काम करने के लिए, हम लोग ठीक है, हम लोग काम करने लीजिए, ठीक आ पाए हम लोग। देखिए इनको जल्दबाजी है, भाग रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा था कि अगर सरकार निकाल दे आपको, अगर कुछ प्रेस बात बता देंगे तो दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं है सर ना, हम लोग को काम करना है, थोड़ा सा वो दिक्कत है बस। कौन रोकने वाला है कि आपको नहीं काम करना? हम रोक रहे हैं आपको? अरे रोक नहीं रहे हैं तो काम देख लिए, फैला है कि नहीं फैला है? चलिए ये देखिए इन लोगों की दिक्कतें हैं, अगर इन लोगों की बात भी उठाई जाए तो शायद इन लोगों को पसंद नहीं लगता। इसलिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कठिनाइयाँ ये आती हैं कि जब ये बोलबम यानी कि सावन का महीना आएगा तो ये लोग कूड़ा करकट उठाने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन पैसा महीने बाद मिलता है, 4-4 महीने बाद पैसा मिलता है, लेकिन अब ये पता नहीं है कि इन लोगों का जो जीवन जीविका है कैसे चल पाती है, इसके बारे में सोचना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में हैं, अगर यही गंगा नदी है और नमामि गंगे के तहत बहुत सारी सफाई कर्मियों का भर्ती भी हुआ, लेकिन अभी तक उनका पता आता नहीं चल पाता है। ठेके पे थे लोग, इन लोगों से बातचीत हो रही थी, कैसे लगी है कमेंट के जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।